चले दोस्तों कर लेते हैं थ्रो भाई को कॉल। तो चले दोस्तों बिस्मिल्लाह करते हैं, अब देखते हैं क्या सीन होता है। दोस्तों तो कैसे हो आप दोस्तों, आज की जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज तक देखिएगा चैनल पे नए चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम ना आज की इस वीडियो में अपने करेंगे तुराब भाई के साथ छोटा सा प्रैंक। हम उनको कभी करते हैं कार, उनको बोलेंगे कि यार हम आपके मिनी जू में जो है एलिफेंट लेकर आने वाले हैं, चलें देखते हैं यार उनके क्या रिएक्शन मेरे मिलते हैं। लेकिन दोस्तों से पहले मैं जाता हूँ मिनी जू में यार, वहाँ अपने तो डॉग के आगे भी कुछ ना कुछ डाल दूँ, बेचारा भूखा है। और क्या मास्टर केज में भी बर्ड्स के थोड़ा देखने क्या प्रोग्रेस वगैरह चल रही है उनकी, तो चलिए चलते हैं फिर उसके बाद करते हैं तुराब भाई को कॉल। दोस्तों इसने उस दिन यार यहाँ पर लाए किसी को कबूतर वगैरह भी खाए हुए, पतली से खाए या बिल्ली ने खाए, अब मैं भी कंफ्यूज हूँ। चेक करें यार ये सारा घास आप जो हमने काटा है वो भी है, ये भी है, ये पीछे साइड सारा घास वगैरह हमने काट दिया, क्योंकि घास काफ़ी ज़्यादा था जिसकी वजह से मतलब हमने केजेस वगैरह फिर नहीं बना सके थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब तंग हो रहे थे हम। दोस्तों हमने ना यहाँ पर सीन ऐसा किया है कि यार हमने मतलब सोचा क्या है कि यार ये जहाँ मुफासा में को मैंने बांधा हुआ है यहाँ से केजेस वगैरह हम स्टार्ट करेंगे, साइड पर भी केजेस होंगे और दीवार के साथ भी केजेस वगैरह होंगे, ये पत्थर और रेत वगैरह हम इस वजह से लेके आए हुए हैं क्योंकि जो हम नीचे डालेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में कि हम केजेस वगैरह बना लें और नीचे से कोई चूहा वगैरह आ जाए और मतलब बर्ड्स को नुकसान वगैरह पहुँचा सकते, क्योंकि बस नीचे ज़मीन है तो ऐसा ना हो कि बाद में बर्ड्स के लिए कोई मसला बन सके। दोस्तों मैंने सोचा क्या है कि यार ये चेक करें हमारे पास ये जो ये साइड वाली जो जगह है, हम ना इस साइड पर भी केजेस वगैरह बनाएंगे और इस साइड पर भी जो केजेस वगैरह हम सारी दीवार के साथ केजेस वगैरह बनाएंगे, केजेस का काम वगैरह जो है हम इस साइड करेंगे, और आगे ये वाला जो ग्राउंड होगा ये सारा बर्ड्स के घूमने फिरने के लिए हम जगह छोड़ देंगे। और दोस्तों हमने ना रेत वगैरह ला के यहाँ पर रख दिए, तो इंशाल्लाह आज से ना हम केजेस वगैरह का काम वगैरह स्टार्ट कर लेंगे। कुछ लाग यहाँ पर पड़े हुए मतलब पत्थर वगैरह ही पड़े हुए, मतलब यहाँ पर जो घास वगैरह था वो मैंने सारा काट लिया, चेक करें इंशाल्लाह अभी इसको आग लगाएंगे हम। सोचा क्या है कि यार क्यों ना हम अपने मिनी जू में बकरियों के लिए भी कोई ना कोई अच्छी जगह बना लें, क्योंकि आप में से काफ़ी बोलते रहते हैं भाई बकरियां वगैरह भी ला के रखो। तो दोस्तों इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें ला के रखेंगे, लेकिन शुरू में आपको पता है थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है यार यहाँ पर अभी केजेस वगैरह नहीं बने हुए थे। तो चलें दोस्तों कॉल वगैरह चली गई है, तो आप भाई को क्या कह रहे हैं, नेटवर्क बिजी आ रहा है, चलें फिर ट्राई करते हैं। दोस्तों कॉल कर लिए, यार ये कॉल क्यों नहीं लग रही, चले चल चल रही है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, शायद तुराब भाई का नंबर ये बंद है, शायद तुराब भाई का मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ हुआ है, इस वजह से कॉल वगैरह नहीं उठा रहे। सब भाइयों से पूछा था कि भाइयों हम इनके क्या क्या नाम रखें, तो काफ़ी भाइयों के अपने अपने नाम बताएं। एक भाई ने कमेंट आया था उनका नाम मुझे काफ़ी अच्छे लगे कि बोल रहे हैं कि भाई एक का नाम टेंगो रख लें, एक का नाम मैंगो रख लें, यकीन जाने बहुत अच्छा मुझे ये नाम लगे इन दोनों के। तो आज के बाद इसका नाम टेंगो, इसका नाम मैंगो, ठीक है नसीब, क्या कहते हैं इनके नाम, ये सही है ना, टेंगो और मैंगो। दोस्तों आज के बाद इनके दोनों का ये नाम है, इनको जाओ इनके आगे ला के डालो, इनकी खुराक वगैरह डालो ना, मिर्चें वगैरह डालो। दोस्तों ये मिर्चें जो है ना काफ़ी शौक से खाते हैं ना, इनको कभी हम दिन के टाइम एप्पल वगैरह डाल देते हैं, बस इनको मतलब यही सीन चलता रहते हैं, तो सुबह के टाइम मिक्स फीड वगैरह डाल देते हैं इनको। और दोस्तों जो मुर्गी ने मारी है, जिन हमने अंडे रखे थे, बस उसके सारे बच्चे जो है और थे मतलब मर गए थे, किसी को बिल्ली उठा के ले गई थी, बस ये तीन बच्चे बचे हमारे पास, तो माशाल्लाह सब काफ़ी बड़े हो गए हैं, ये तीनों अल्हम्दुलिल्लाह से फील हैं, तो काफ़ी प्यारे हैं, घूमने माशाल्लाह जरूर किएगा। अब इंशाल्लाह ये थोड़े दिन तक फिर दोबारा जब बच्चों को छोड़ेगी तो फिर दोबारा हम इसके नीचे जो है बच्चे अंडे वगैरह रख लेंगे। डॉग हाउस उसमें घुसी हुई है, तो वहाँ पर भी नहीं थी वो, अभी मैं आया हूँ तो अपनी यहाँ पर इसमें सब्ज़ी के ऊपर पानी वगैरह डाले, अभी मुझे एक और जगह पर शक है कि यार ये वहाँ पर ना हो, क्योंकि इसका घर जो है ये पीछे सुराह है, शायद मुझे वहाँ पर ही आए, क्या हुआ फंसा, जो मेरे साथ आओ तुम भी आओ, ये चेक करें जिसके ऊपर मतलब जो राख है उसने हमने आग लगाई थी उसके ऊपर भी इसके निशान वगैरह मौजूद हैं, ये चेक करें बड़े बड़े उसके पाँव लगे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पीछे एक सुराह है यार, अभी मैं करता क्या हूँ, ये पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, ये पत्थर वगैरह लगाते हैं, लगा के पीछे पहले सबसे पहले सुराह बंद कर दें, मेरा यकीन करें सांस फूल चुके हैं अभी, तो बड़ा यार से तंग किया हुआ है, कहाँ है यार ये पीछे इधर सुराह है दोस्तों, एक पीछे आप देख सकते हैं पीछे भी खेत हैं, मुझे अब शक है कि यार ये कहीं पीछे ना चली गई हो, अगर उधर चली गई तो फिर बड़ा काम ख़राब है। अब मैं करता हूँ कैसे हूँ दोस्तों, जो पिछली साइड सुराह है उसको भी बंद करते हैं, जो आगे सुराह है उसको भी हम बंद करते हैं, ताकि इसका आना जाना ही ख़त्म हो जाए। आपको पता है दोस्तों अभी कल हमारे यहाँ पर मुफासे है यार, और बर्ड परिंदे वगैरह हम केज वगैरह बनाएंगे, आज से काम वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा ना हो कि बाद हमारे परिंदों को नुकसान पहुँचाए, इससे अच्छा है कि काम अभी ख़त्म कर लिया जाए। दोस्तों हमने यहाँ सब्ज़ी के ऊपर मैंने पानी वगैरह डाल दिए, मुफासा क्या सीने तुम्हें, तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाया उसने ना, दोस्तों बड़ी ख़तरनाक चीज़ है यार, इसमें चीज़ यकीन करें मैंने पहली दफ़ा देखी है। मैंने बताया कि यार आपके मिनी जू में जो एक सेग आई हुई है, तो मैं भागते भागते आया हूँ, मैंने देखी है, तो मैंने बोला यार मोबाइल वगैरह पास नहीं तो रिकॉर्ड कर लेता मैं,
तो बड़ी खतरनाक चीज़ है दोस्तों। अभी ना इसको किसी ने किसी तरह से इसको ट्रैप करेंगे, किसी ने किसी तरह से पकड़ेंगे। हम ऐसे ना काफ़ी बोल रहे थे कि भाई आप मीटअप रखें तो आप भाई के साथ जाके व्लॉग वगैरह बनाएं। दोस्तों इंशाल्लाह कुछ दिन तक हम भी जाएंगे, उनके मिनी जूम में उनसे भी मिलेंगे और इन साथ उनके मिनी जूम जो व्लॉग वगैरह ही बनाएंगे इंशाल्लाह। तो बस यार हमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, जिस तरह आप लोग भाई सब पहले सपोर्ट करते रहे, सर आगे भी सपोर्ट करते रहे हमें इंशाल्लाह। अब आपको पता है हमारे मिनी जूम काम वगैरह भी स्टार्ट हुआ है, तो इंशाल्लाह कुछ दिन तक वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह जिस चीज़ का आप भाई लोग बोलेंगे वो वाली चीज़ें जो वगैरह ला कर अपने मिनी जूम में रखेंगे। अभी देरी और बस ये दोस्तों अभी इसके नीचे वनडे वगैरह रखने हैं हमने। अब इसके लिए फिर दोबारा समझे का वगैरह बनाएंगे और इसको अंडों के ऊपर बैठा देंगे हम, ताकि ये फिर दोबारा से बच्चे वगैरह निकाल सके। पिछली दफ़ा तो तूफान की वजह से इसके बच्चे जो थे दो तीन मर गए थे, एक कवे उठा कर ले गया था। बस ये सीन बना हुआ था। इस दफ़ा जितने भी बच्चे रानी के आएंगे सारे मेरे तुम्हारे ही होंगे यार, तुम्हारे ही होंगे, बस रो रहे क्यों दोस्तों। पिछली बार जब रानी के जितने बच्चे भी आए थे, तीन आए थे, जो मैंने आपको बताए हैं वो पिछली दफ़ा जितने बच्चे भी आए थे वो हमने ब्रहिम को दिए थे। इस दफ़ा जितने भी आएंगे इंशाल्लाह ब्रहिम के। सही है ब्रहिम, अब खुश हो तो चेक करो यार, कसम से बस मुर्गा चेक करो। तो इसके साथ दोस्तों हमने सोचा क्या है कि हम इसके साथ एक और भी मेल लेकर आएंगे। अभी इसके साथ दो ऑलरेडी हैं, अब तीसरी भी इंशाल्लाह इसके साथ लेके आएंगे और सेम इस जैसी होगी। जो वीडियो उम्मीद करते हैं क्या वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, मेरे चैनल को लाजी सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए और बेल आइकन भी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको इस तरह इसका नोटिफिकेशन मेरा मिल जाए। तो दोस्तों इंशाल्लाह जिस तरह आप सब भाई लोग पहले सपोर्ट करते रहे हमें, इस तरह आगे भी करते रहें, तो इंशाल्लाह जिस चीज़ का आप लोग कमेंट करके बोलेंगे इंशाल्लाह वो वाली वीडियो चीज़ हम ला के अपने मिल जुल के ऊपर रखेंगे। तो चले तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, फिर मान ला करें जी ऊपर या इस साइड पर। ये इतनी ज़ोर से मुझे मतलब काटा है ना कि मैंने इसको उधर थोड़े आगे से भागे, बड़ी मुश्किल से हमने मतलब तीन चार लड़के मेरे साथ और थे तो हमने इसके फिर बड़ी मुश्किल से इसको पकड़े। वो ये बिल्कुल टाइम पहले सारा नहीं करता था, पहले हर वक्त हाथ के ऊपर बैठा जाता था, बीच में से इसको टाइम वगैरह नहीं दे सके, तो जिसकी वजह से ये बिल्कुल वाइल्ड हो गया। चलो ये चेक करें, ये अभी कैसे काट रहे हैं ये चेक करें जी। अब इसमें ये हरकतें आ चुकी हैं, बाप लोग ही बताएं अब इसको बाहर निकालने के लायक है या नहीं है। शरीफों की तरह रहता तो यकीन करें इसको भी हम इधर अपने साथ ले घुमाते फिराते जिस तरह पहले करते थे, लेकिन ये इसने शैतानियाँ शुरू कर ली हैं। बाप लोग बताएं इसको कैसे बाहर निकालें, मस्तियाँ नहीं करा करो ना टेंगो। अब आपके लिए पार्टनर वगैरह भी हम लेकर आएंगे, ये देख करें बस इस तरह फिर खुद को जख्मी करने लग जाएगा अगर इसको ज़्यादा हमने वो किया तो। उस वजह से उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया इसको, मैंने अपनी इसकी अपनी हाल की छोड़ दिया। मैंने बोला यार खुद तो कम से कम नुकसान तो ना पहुँचाए दोस्तों बाप लोग ही। तो दोस्तों मैंने सोचा है क्या कि यार के लिए इसे कोई ना कोई अच्छे से एक पार्टनर वगैरह भी हम लेकर आएँ, क्योंकि यार ये काफ़ी टाइम से खेला था। तो अभी मैं चलता हूँ, पहले मिनी जू में जाऊँगा, मुफासा कुछ